और हमारे साथ लगातार हम ए के मिश्रा जी बने हुए हैं, हिंदी खबर के राजनीतिक सलाहकार, आप स्टूडियो में मौजूद हैं। तो ए के मिश्रा जी, ये मतदान प्रतिशत की अगर हम बात करें, अभी चर्चा आधी भी रह गई थी ये कि मतदाता अगर नहीं चाहेगा कि उसे बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर चाहिए है तो वो यहाँ निकल कर मतदान नहीं करेगा, इसीलिए मत प्रतिशत कम भी रह सकता है। और कम रहने का मतलब क्या यही लगाया जाए? नहीं देखिए, अक्षय, मैं आपको थोड़ा सा इनडेप्थ डायनामिक्स की मैं बात करूं, नॉर्मली ऐसी बातें नहीं होती है। देखिए, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, दो टर्मिनोलॉजी होती है, एक होता है पॉलिटिकल क्यूज और दूसरा होता है पॉलिटिकल ट्रिगर। पॉलिटिकल क्यूज वो ऐसे जो है साइकोलॉजिकल जो है इंडिकेशंस होते हैं या सिग्नल होते हैं जो कि वोटर्स के मन में थोड़ी एक क्यूरियोसिटी जो है पैदा करते हैं इलेक्शन को लेकर, मुद्दों को लेकर के या कैंडिडेट को लेकर। पॉलिटिकल ट्रिगर्स जो होते हैं वो इस चीज को डेवलप करते हैं कि हाँ भाई, आप घर से निकलो, यानी आपके क्यूज को एक्शन में बदलना, लोग घर से निकले, सड़कों पे आए, वोटिंग डे के दिन जो है जाकर के वोट वहां पे दें। अब देखिए, अगर मुद्दे और सारी चीजें बहुत स्ट्रांग है तो जो साइकोलॉजी होती है वोटर्स की वो मोटिवेट होता है और बड़े जोर शोर से वो पूरे इलेक्शन प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करता है। और इसीलिए देखिए, 2014 का जैसे इलेक्शन था, यूपी का इलेक्शन था, वहां पे चाहे बदलाव रहा हो, चाहे डेवलपमेंट रहा हो, चाहे फाइट अगेंस्ट करप्शन रहा हो, ये जो क्यूज थे इतने स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ट्रिगर में बदल गए कि पूरी पब्लिक जो है चेंज के लिए या अपनी चीजों को पूरा करने के लिए, अपने उद्देश्यों को पॉलिटिकल तरीके से पूरा करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में जो है जाकर के उन्होंने वोट दिया। इसीलिए आप देखेंगे 70% 75% 80-85% तक जो है वोट वहां पे हुआ है। अब देखिए, यहां पे क्यों, अगर वोट परसेंटेज, वोटिंग डे के दिन अगर वोट परसेंट स्लो हो तो क्या हो, तो किसी न किसी कारण से वो उदासीन है, वोटर के अंदर वो उत्साह नहीं है। और वो क्यों नहीं है, क्योंकि वो उतना इंपॉर्टेंस इस वोटिंग को या इस इलेक्शन को नहीं दे रहा है, जिसके कारण आपका वोटिंग जो है वो एवरेज चला जाता है 50% 60%। नतीजा कुछ भी हो सकता है फिर तो, क्योंकि जो 12% 17% या हम जितना भी परसेंटेज मान लें, उस परसेंटेज में कि किस तरह के मतदाता ज्यादा रहे होंगे, किसने किसको वोट किया होगा, इसके नतीजे किस तरीके? देखिए, मैं आपको बताता हूं, जब एवरेज वोटिंग परसेंट जाता है 50-60% जाता है, तो ज्यादातर जो हार्ड कोर वोटर होते हैं, यानी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी से टायर वन या टायर टू में जुड़े हुए हैं, वो जाते हैं, तो वहां पे आपका जो है वोट परसेंट 50-60% एवरेज जाता है। लेकिन जब 70-75-80% जाता है, तो वोटर का अगर आप क्लासिफिकेशन करिए तो टायर वन में आते हैं जो पार्टी के डायरेक्ट मेंबर है, टायर टू में वो आते हैं जो पार्टी के डायरेक्ट मेंबर के जो है किसी न किसी तरीके से फ्रेंड है, रिलेटिव है, जुड़े हुए हैं। पार्टी के मेंबर भले ना हो, लेकिन पार्टी में उनकी आस्था बहुत जबरदस्त होती है, वो डायरेक्टली पार्टी और उसकी एक्टिविटीयों से जुड़े होते हैं। टायर थ्री में वो वोटर आते हैं जो कि पूरे साल इनएक्टिव रहेंगे, पूरे टाइम इनएक्टिव रहेंगे, लेकिन जब वोट के टाइम पे माहौल बनता है तो वो जागते हैं और सोचते हैं कि हाँ भाई, हमें अपना वोट देना चाहिए, और वो जाकर के वोट दे आते हैं। टायर फोर में वो होते हैं जो टोटली नए इंट्रोड्यूस हुए रहते हैं, या जो कभी मतलब वोटिंग में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, कई बार जाते नहीं है वोट करने के लिए। तो जब बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल क्यूज एंड ट्रिगर होते हैं तो सारे टायर 1, 2, 3, 4 के जो भी क्लासिफिकेशन हमने आपको बताए हैं वोटर के, सब जो है एक्टिव हो जाते हैं, और तभी ये वोट परसेंट आपका 75-80% पे जाता है। तो अगर ये ट्रेडिशनल वोटिंग होगी 50%, 55%, 60% का जाएगा, तो यहाँ पे जो पार्टी के टायर वन और टायर टू के वोटर हैं, मेजर उन्हीं के कारण ये होते हैं जो 50% 55% तक कवर कर लेते हैं। तो इसमें रिजल्ट भी ट्रेडिशनल जाएगा सर। अब रिजल्ट ट्रेडिशनल क्या होगा, ट्रेडिशनल रिजल्ट ये होगा कि 2014 के पहले आप देखिए फूलपुर में क्या होता था, समाजवादी पार्टी जीतती थी, मार्जिन कितना होता था, जो विक्ट्री करता था, जो जीतता था और जो सेकंड नंबर पे आता था, मुश्किल से 2-4% का वोट मार्जिन होता था। गोरखपुर में आप देखेंगे तो ये मार्जिन बहुत जबरदस्त रहा है। उसका रीजन है, गोरखपुर की सिचुएशन आप एनालिसिस करिए, गोरखपुर अगर आप जाइए और दूर दराज के इलाकों में जाइए तो योगी आदित्यनाथ कोई काम हो या ना हो, लेकिन तब भी लोगों से मिलने जाते हैं, दूर दराज के गांवों में लोगों से मिलना, इन सब डे टू डे एक्टिविटी से एक पॉलिटिकल बॉन्डिंग डेवलप होती है आपके कैंडिडेट पार्टी और आपके वोटर्स में, पब्लिक के बीच में। लगातार 20 सालों से 25 सालों से वो ऐसा काम कर रहे हैं, तभी मैं बोलता हूं कि योगी आदित्यनाथ या इस तरह के कैंडिडेट अगर निर्दलीय भी खड़े हो जाएंगे तो लहर का उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो जीत जाएंगे। फूलपुर में देखिए, बीजेपी की कोई बॉन्डिंग नहीं रही है इनको, बीजेपी का फूलपुर में इस बार अगर बॉन्डिंग इतनी जबरदस्त रही होती तो उनका लोकल लीडर होता, कोई लोकल लीडर है ही नहीं, चुनाव से क्यों लीडर ले आए। तो मौर्य जी के बाद फूलपुर में बीजेपी कोई लोकल लीडर को पैदा कर ही नहीं पाया। इसका मतलब है
कि बॉन्डिंग और हार्डकोर जो ग्राउंड लेवल पे वर्क होना चाहिए वो है ही नहीं। जी, जी। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि ये चीजें जो है फूलपुर के लिए बीजेपी के लिए मुझे डाउट लग रहा है। ट्रेडिशनल गया तो वही 2-4% का मार्जिन होगा, सपा बसपा जीतेगी। ठीक है, हमारे संवाददाता लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं, हम लालचंद के पास चलेंगे। लालचंद, क्या स्थिति है इस वक्त ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज हम देखें, आप लखनऊ में माहौल क्या देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से क्या खबरें हैं, गोरखपुर फूलपुर से क्या खबर है, क्या रुझान है वहां मतदाताओं का? जी बिल्कुल, बता दूं जिस तरीके से लगातार 7 बजे से चुनाव का मतदान शुरू हुआ है, लेकिन वो उत्साह नहीं देखने को मिल रहा है जो होना चाहिए। कहीं ना कहीं जो चुनाव है उसको कहीं ना कहीं लोग जो है या तो संडे मान रहे हैं या छुट्टी का दिन, इसलिए काफ़ी संख्या में नहीं निकल रहे हैं। लेकिन जो 4 घंटे का अब तक परसेंटेज रहा है तो गोरखपुर का जो 16.80% मतदान हुआ है, और अगर फूलपुर की बात करें तो फूलपुर में भी 12.20% ही अभी दान हुआ, तो कहीं ना कहीं जो लोगों में उत्साह है वो कहीं कहीं ना अभी धीमा दिखाई दे रहा है, और जो उत्साह होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये चुनाव बहुत ही अहम माना जा रहा था, अच्छा परसेंटेज जा रहा था, क्योंकि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कई जनसभाएं की, लोगों को लुभाने की कोशिश भी की। वही अखिलेश यादव की बात करें, सपा जो जिस तरह से सपा और बसपा ने गठबंधन किया और इसके बाद चुनावी जनसभाएं की, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो जनता में उत्साह देखने को था, जो परसेंटेज होना चाहिए वो अभी तक निकल के नहीं आया है। शायद यही कई वजहें हो सकती हैं, चाहे वो उपचुनाव की हो जाए या छुट्टी का दिन है, तो कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह अभी देखने को नहीं मिला है। जो परसेंटेज अब तक होना चाहिए वो अभी तक नहीं देखने को मिला है। जी, अक्सर इस तरह के परसेंटेज क्या रुझान बताते हैं, यानी कि जैसा कि मैं अभी पूछ रहा था मिश्रा जी से, जो वोटिंग परसेंटेज जो भी रहेगा अगर ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि अक्सर देखा यह गया है कि जब एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर की हम बात करते हैं या बहुत ज़्यादा जनता अगर घर से नहीं निकलती मतदान करने के लिए, तो ये माना जाता है कि बदलाव का कोई मूड जनता का है नहीं। लेकिन ये कैसे तय हो कि बाकी के जो परसेंटेज वोट का 12-15-20 जो भी प्रतिशत होगा उसमें किस तरीके के वोटर ने वोट ज़्यादा दिया है? ये वो वोटर है जो बदलाव चाहता है या ये वो वोटर है जो बदलाव नहीं चाहता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से नहीं अगर बात करें तो जो परसेंटेज अब तक आया है जैसे फूलपुर का है वो 12.20% मतदान हुआ है, और गोरखपुर का जो है वो 16.80% मतदान हुआ। अगर टोटल आउट की बात करते हैं तो 14.45 के आसपास जो परसेंटेज निकल के आ रहा है दोनों का, तो वो इस तरीके से आ रहा है। लेकिन अगर अभी वो ये वही वोटर है जो कहीं ना कहीं जो रोज की तरह जैसे मतदान करना ही चाहते हैं, लेकिन वो वोटर नहीं है जो बदलाव चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो मतदान करने अभी तक निकले हैं लोग, वो कहीं ना कहीं ये कुछ अभी बदलाव के मूड में नहीं है, सिर्फ उनका मतदान गया है। तो कहीं ना कहीं वो जो ऐसे लोग होते हैं जो बदलाव चाहते हैं वो काफी संख्या में निकलते हैं लोग। और क्या फूलपुर की सीट के बारे में, फूलपुर के बारे में कुछ कहा जा सकता है, क्या हवा है? क्योंकि हमने ये देखा है कि बीजेपी की गोरखपुर की तरफ फूलपुर जो है वो ट्रेडिशनल सीट बीजेपी की रही नहीं, तो वहां हम किस तरीके की अंदाजे लगा सकते हैं? जी वो बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से नहीं वो वहाँ पे मतदान चल रहा है बहुत ही धीमा चल रहा है, काफ़ी लोग निकल ले रहे हैं कहीं ना कहीं जो वो जैसे केशव प्रसाद डिप्टी सीएम जो इस्तीफे देके बने डिप्टी सीएम, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अब उनकी भी चिंताएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो वोटिंग परसेंट है वो बहुत ही कम जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बदलाव नजरिया दिख रहा था वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि परसेंटेज अच्छा जाएगा जिस तरीके से जनसभाएँ हुई हैं, और जाहिर सी बात है कि इसको 2019 का जो चुनाव होना है उसको भी लेकर देखा जा रहा था, लेकिन वो अभी तक वो समीकरण नहीं बन पाए हैं जो बनने चाहिए थे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि सबकी नज़र, पूरे देश की नज़र आज जो दो सभा लोकसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं गोरखपुर फूलपुर, कहीं ना कहीं लोगों की सभी की नज़र है कि ये चुनाव 2019 के चुनाव को देखा जा रहा था, लेकिन अभी वो चीज नहीं निकल के आई है। जो समीकरण बन रहे थे कि जो सपा और बसपा का गठबंधन है, बीजेपी का मुकाबला है, तो वो चीज़ अभी निकल के नहीं सामने आया। कहीं ना कहीं जो अभी बदलाव जो होना चाहिए था वो अभी देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, ठीक है लालचंद, बने रहिए आप हमारे साथ, लौटेंगे हम आपके पास। मिश्रा जी, ये अभी जैसे हम बात कर रहे थे, चर्चा हमारी हुई थी आपकी मेरी कि ये जैसे लालचंद ने बताया कि प्रतिष्ठा का सवाल है, हम सुन रहे हैं प्रतिष्ठा का सवाल है, लेकिन क्या ये वाकई आकलन और रणनीति क्या कहती है, क्या वाकई प्रतिष्ठा का सवाल है या इन सीटों को खोने में
कोई गुरेज नहीं। मैं आपको बताता हूँ, स्पेशली बीजेपी के लिए अगर देखेंगे, देखिए एक सिक्के के दो पहलू हैं। बीजेपी ने सेंट्रल में और स्टेट में, लगभग सारे स्टेट में गवर्नमेंट बना लिया है, तो बीजेपी के लिए ये कोई प्रतिष्ठा एज ए पार्टी प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। प्रतिष्ठा का सवाल होता तो सेंट्रल नहीं, लेकिन क्या जो गोरखपुर का मतदाता है जो योगी आदित्यनाथ के साथ हमेशा रहा है, उनकी हर जीत में भागीदार रहा, वो इस चीज को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं साहब ये तो आपकी रणनीति है, कोई बात नहीं। नहीं, मैं बता रहा हूँ ये प्रतिष्ठा का सवाल किन के लिए है सर। ये प्रतिष्ठा का सवाल केवल अपने सीएम और डिप्टी सीएम जी के लिए है, योगी आदित्यनाथ और मौर्य जी के लिए ये प्रतिष्ठा का सवाल है। उसका रीजन है क्योंकि भाई देखिए, आपका एक साल हो गया, आप अगर हार गए तो सीधे इमेज जो डैमेज होगी वो इन दोनों लोगों की डैमेज होगी। हाँ, बीजेपी के हाई कमान के जो पार्टी के लीडर है वो पूछेंगे कि भाई ये, इसीलिए वहां पार्टी हाई कमान से कोई, ये तो नेशनल लेवल पे ये कोई प्रतिष्ठा का वो नहीं है। विपक्ष की अगर बात करें तो वो किस एंगल से देखते हैं, देखिए जहां विपक्ष की कोई भी सीट नहीं है या हार गए या गवर्नमेंट नहीं है, तो थोड़ा सा एक जो ये है कि प्रचंड गर्मी के बाद, जेठ और इन सब महीने के बाद थोड़ा सा बूंदाबांदी हो जाती है तो आदमी राहत की सांस लेता है। तो अगर वो इलेक्शन जीत गए तो उनके अंदर एक खुशी की लहर जो है दौड़ जाती है। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत नेता कांग्रेस इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, हिंदी खबर में आपका स्वागत है। और मतदान चल रहा है, प्रतिशत बहुत कम है अभी तक, आप लोगों का क्या विश्वास है, क्या आकलन है, परिस्थितियां क्या कहती हैं आपके अनुसार? देखिए, दो बातें बड़ी स्पष्ट है मेरा। एक तो आपके माध्यम से मतदाताओं से अनुरोध है कि 100% मतदान करें और उसके बाद ही जलपान या खाना खाएं, एक बात, क्योंकि जब तक लोकतंत्र में भारी मतदान नहीं होगा, हर पक्ष की लोकतंत्र में भागीदारी नहीं होगी, तो समस्याओं के सुलझाने में दिक्कतें आएंगी और राजनेताओं को कोसने से लाभ नहीं होगा। दूसरी बात जो अभी कही कि योगी जी की प्रतिष्ठा का, अगर योगी जी की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है तो योगी जी 36-36 सभाएं क्यों कर रहे हैं, मौर्य जी की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं तो मौर्य जी 100-100 सभाएं क्यों कर रहे हैं। आज की डेट में विपक्ष की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, ये लोकतंत्र की प्रतिष्ठा का सवाल है, जनता की प्रतिष्ठा का सवाल है। और यहाँ पर कुछ भी हो, हमारा पूरा विश्वास है कि लोकतंत्र जीतेगा और विपक्षी दल कहीं ना कहीं मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और हमें जीत की अपनी पूरी संभावना है। ठीक है, लेकिन इसे लेकर आप खुद इस बात को मान रहे हैं कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो फॉर चेंज तो नहीं है अभी? देखिए, इसको लेकर के हम बहुत स्पष्ट रूप से हम मतदाताओं से अपील जरूर करेंगे कि 100% मतदान की ओर बढ़ें, क्योंकि लोकतंत्र की मजबूती मतदान पर ही आधारित है। लेकिन इसमें फूलपुर है या गोरखपुर हो, गोरखपुर से तो आप लोग कोई उम्मीद नहीं कर सकते ना, क्योंकि फूलपुर भले ही बीजेपी की ट्रेडिशनल सीट नहीं रही हो, गोरखपुर में तो हमें नहीं लगता कि कहीं कांग्रेस या सपा अपने आप को फाइट में मानेगी। आप और हम नजूमी नहीं है और इसी लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हमारे यहाँ की अब तक की हिंदुस्तान की सर्वोच्च नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी चुनाव हार गई थी और इसी गोरखपुर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री टीएन सिंह को रामकृष्ण द्विवेदी के हाथों हरवाया था, जबकि महंत दिग्विजय नाथ जी पूरे लगे हुए थे, महंत अवैध नाथ लगे, पूरे मंदिर की प्रतिष्ठा लगी हुई थी, तब जाकर के श्री रामकृष्ण द्विवेदी कांग्रेस के प्रत्याशी को इसी गोरखपुर ने जिताया था। लोकतंत्र में कुछ भी संभव है, लोकशाही को आप कुछ मत कहिए, लोकतंत्र अपने मतदाताओं से मजबूत होता है, नेताओं से मजबूत नहीं होता। तो क्या कहेंगे गोरखपुर फूलपुर के मतदाताओं से, क्या कहेंगे आप, क्योंकि सरकार के लिए तो मतलब उनकी नजरों में सरकार का काम सेटिस्फैक्ट्री है या विपक्ष कुछ गिनाएगा, क्या मुद्दे हैं? बहुत स्पष्ट रूप से विपक्ष सरकार की नाकामियां गिना चुका है। आज की डेट में मतदान का पर्व है, इस मतदान के पर्व में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, 100% अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और उचित प्रत्याशी को जिताएं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हिंदी खबर को देने के लिए। सुरेंद्र राजपूत साहब, नेता कांग्रेस, आपका धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ए के मिश्रा जी, ये सिर्फ एक सांत्वना देने वाली बात है, फाइट क्या देख पा रहे हैं? गोरखपुर तो ऑलमोस्ट निल है, फूलपुर से उम्मीद कर सकता है विपक्ष? नहीं देखिए, या जो सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि चुनाव तो इंदिरा गांधी नहीं, नहीं देखिए, अगर फोनेटिक्स की स्टडी की जाए सुरेंद्र राजपूत साहब की, तो ठीक है, कांग्रेस ने तो ऑलरेडी हथियार डाल दिए हैं। जब पॉलिटिक्स में, इलेक्शन में जब कोई पार्टी जीतती रहती है और कॉन्फिडेंट होता है ना, नंबर वन या नंबर टू पे भी, तो दहाड़ के बोलते हैं जी हम ही जीतेंगे, हम ही सर, वो फिर ऐसी अपील नहीं करते हैं कि आप मतलब लोकतंत्र है, ये है वो, जो सुरेंद्र राजपूत जी बोल रहे थे। बात यहाँ डायनामिक्स और स्ट्रेटजी के एनालिसिस की है। मैंने आपको एट द बिगनिंग जब मैं आया था, मैंने तभी बोला था कि अगर ऑन एन एवरेज आपका वोटिंग जा रहा है तो इट मींस देयर इज नो सिग्नल फॉर चेंज,
जो चेंज ये करना चाहते थे। सुरेंद्र राजपूत जी ने बोला प्रतिष्ठा का सवाल, मैं मानता हूं, मैंने बोला भी कि प्रतिष्ठा का सवाल ये इंडिविजुअल प्रतिष्ठा का सवाल है, योगी जी के लिए उनकी अपनी प्रतिष्ठा का सवाल है और मौर्य जी के लिए अपनी प्रतिष्ठा का सवाल है। बीजेपी नेशनल पार्टी के लिए ठीक है प्रतिष्ठा का सवाल है, लेकिन वो बहुत ज्यादा बाई इलेक्शंस को ध्यान नहीं देते हैं सर, ध्यान नहीं दे रहा ध्यान उनके लिए। देखिए सरकार उनकी बनी हुई है, दो सीट ठीक है आप लेकर के चले जाइए, आप जीत गए या हार गए, मेन उनका फोकस होता है जो मेन टारगेट होता है। देखिए एक कहावत है कि बड़ी जंग जीतने के लिए आपको छोटी जंगें हारनी पड़ती है, या लंबी कूद लेने के लिए आपको दो कदम पीछे चलना पड़ता है। तो ये बीजेपी की स्ट्रेटजी रही है कि ठीक है दो चार जो बाई इलेक्शंस होते हैं वो आप हार जाइए। अच्छा दूसरा चीज ये है, विपक्ष के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो इसलिए होता है कि जहां विपक्ष एकदम से मुरझाया हुआ है, उसका मनोबल डाउन है, ये उनके लिए थोड़ा सा संजीवनी की तरह काम करता है, और विपक्ष को थोड़ा सा तो इसीलिए विपक्ष बहुत एक्टिव रहता है बाई इलेक्शन में, और उसको वो परसेप्शन ऐसे डेवलप करते हैं कि जी ये 2019 का आगाज है, चुनौती देने का एक मौका मिल जाता है, अब हम आ रहे हैं 2019 में। अब 2019 में देखिएगा डायनामिक्स एकदम अलग होगा, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के तर्कस से सारे तीर खाली हो, अगर बीजेपी हार भी जाती है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत शुक्रिया ए के मिश्रा जी हमसे जुड़ने के लिए।